चैनल रोजगार यात्रा में आज मैं आ चुका हूँ पटना के एक बहुत ही बड़े नोटबुक उद्योग में, जहाँ से आपको रॉ मटेरियल के रूप में क्या बोलते हैं कि पेपर कवर और मतलब तकरीबन तमाम चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं वन बाय वन करके आपको सारे चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है ये भी दिखाऊंगा, और मैं ऑनर से भी बात कराऊंगा इनसे जुड़ करके, आप किस तरह से रॉ मटेरियल ले सकते हैं या वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो इस तरह का बंडल आता है नोटबुक का, आ जाइए तो ज़रा इधर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइए, जो इस तरह का ये छन्नी लगा हुआ है, थोड़ा और पीछे चले जाइए ना, जो इस तरह का जो ये जो बंडल का जो लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा जो नोटबुक का पेपर होता है, ठीक है ना, इस तरह के बंडल में वो आता है। और पेपर किस तरह से होता है वो भी मैं आपको दिखा था, लेकिन खुला हुआ नहीं है। आ जाइए थोड़ा पहले दिखाते हैं व्यूवर्स को, पूरा आपको अच्छे से लीजिए इस वीडियो को। यहाँ का दिखाइए थोड़ा, हाँ आ जाइए। आ जाइए। तो दोस्तों मैं गोडाउन में बहुत अंदर ढुक चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ माल बहुत ही ज़्यादा है, अनलिमिटेड माल है। मैं इस माल के बारे में थोड़ा सा आपको, यहाँ कैमरा को थोड़ा नज़दीक लाइए, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का बंडल आता है। इसमें आपको तीन तरह का वैरायटी मिलेगा, एक तो प्लेन पेपर मिलेगा, और एक ये इंग्लिश का जो होता है इस तरह का लाइनिंग मिलेगा, और एक होता है रूलिंग पेपर, जो हिंदी जिसमें और उर्दू वगैरह जो लिखते हैं उस तरह का पेपर होता है। तो इसमें जो इस तरह का एक क्रीम होता है, और नज़दीक लाइए कैमरा को, इस तरफ लाइए, तो इस तरफ अरे भाई इधर दिखाइए, यहाँ दिखाइए, ये देखिए, इसमें 500 सीट का क्या बोलते हैं कि ये एक क्रीम होता है, ठीक है ना, 500 सीट का एक एक रीम होता है। इस तरह से किसी बंडल में 7 रीम होगा, किसी में 6 रीम होगा, और किसी में 5 रीम होगा, एक रीम के अंदर 500 सीट होता है। तो इस तरह का पेपर आता है, इसका साइज़ बहुत सारा है, क्वालिटी बहुत सारा, वैरायटी बहुत सारा है, तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, जो वीडियो में दिखाया जाता है कि आप ना कटिंग मशीन ले लो, ये मशीन ले लो, वो मशीन ले लो, लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को आज रियल मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊंगा, और रियल क्या बोलते हैं कारीगर से मिलाऊंगा कि वो किस तरह से बना। चलिए मैं सबसे पहले एक यहाँ पे कारीगर है उनका इंटरव्यू लेंगे, फिर ऑनर का इंटरव्यू लेंगे, वीडियो करो। यहाँ पे आ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, यहाँ पे दो कारीगर है जो नोटबुक बना रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, और ये कटिंग मशीन, इसको आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये रहा स्टिचिंग मशीन, इसको भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक चीज़ आप पूरे फैक्ट्री में घूम लिए, लेकिन एक चीज़ आपको नज़र नहीं आया होगा, और उस चीज़ का नाम है एज स्क्वायरिंग मशीन। वीडियो चालू है ना, एज स्क्वायरिंग मशीन। एक्चुअली एज स्क्वायरिंग मशीन की ज़रूरत है या नहीं है, हम ये चीज़ समझते हैं, कारीगर से थोड़ा बात करते हैं। तो आ जाइए कैमरा को यहाँ पर लेकर के, भैया मैं इधर आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले भैया आपका नाम, एक मिनट कैमरा माइक यहाँ से निकालता हूँ, तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद छोटू। मोहम्मद छोटू, तो ये मोहम्मद छोटू जी है, ये नोटबुक बना रहे हैं। भैया वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है कि आप सिर्फ 3-4 मशीन लगा लो और घर पे जा कर के बना लो, क्या कोई व्यक्ति अगर नोटबुक बनाना बिल्कुल नहीं जानता है वो बना सकता है बगैर सीखे हुए? नहीं, बिना सीखे वो नहीं बनेगा। तो भैया पड़ता है, सीखना पड़ेगा इसमें। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं, इस काम का नाम क्या है? ये नोटबुक बाइंडिंग हुआ। ये बाइंडिंग हुआ, जरा कैमरा को नजदीक लाइए, यहाँ पे दिखाइए, एक पेपर का मतलब गिनती कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए आप लोग की किस तरह से यहाँ पेपर का गिनती चल रहा है। अब इस गिनती के बाद क्या होगा? इसमें अभी डुप्लेक्स लाएगा। अच्छा, फिर पिन मरा कटिंग होगा। अच्छा अच्छा, और ये एक चीज़, और जो एज स्क्वायरिंग मशीन होता है जो 2-3 लाख का है, वो दिखाया जाता है कि वो जरूरत है, क्या उस मशीन का जरूरत है? वो नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा काम, चल जाएगा। उसका जरूरी उतना नहीं है, हम लोग के यहाँ तो नहीं है, हम लोग उसी से ना बना रहे हैं। आज जो मोटा कॉपी बनाएगा तो उसमें क्या करेगा? उसमें भी हो जाता है, वो सब हाथे से बना देता है कारीगर, बस कारीगर के हाथ में, कारीगर के। तो कहने की बात है, अगर कोई नोटबुक का फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसको सीखना जरूरी है। मैं बिना सीखे नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ये नोटबुक का काउंटिंग चल रहा है, किस तरह से दोनों काउंट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम ऑनर से मिलते हैं और बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। वीडियो चालू रखिए, सब चीज़ को आप कवर कीजिए, आप कैमरामैन है, आपका काम है छोटी छोटी चीज़ को कैप्चर करना। और एक मिनट आप देखिएगा कि यहाँ पे किस तरह से पिन मारा जा रहा है, दिखाइए, यहाँ दिखाइए, हमको मत दिखाइए।
तो पिन मार दिए भैया ने और अब कटिंग होगा। देखिए बगैर यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बगैर प्रेस का कटिंग हो रहा है, एज स्क्वायरिंग नहीं हुआ। हाथ से ही मार दीजिएगा, ना 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 प्रेस जो नहीं हुआ पीछे से वो हो गया, वो हो गया मतलब चपा कर इसने हो जाता है। अरे वाह, जब माल बनता है ना तो खुद ब खुद चालू है ना वीडियो। यहाँ यहाँ कैमरा लाइए एकदम नीचे में। तो एक बार में कितना कॉपी का कटिंग हो जाता है? एक बार में इसमें 10 कॉपी कटता है। 10 कॉपी? अच्छा अच्छा, 20 हो गया। तो मतलब आगे पीछे का लगा के तो 20 हो गया। अब पांच वाला जो छोटका कॉपी बनता है वो तो चार को रहता है। हाँ, 35 पीस का गड्डी बनाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, 100 कॉपी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कॉपी का नाप लिया जाता है। दरअसल इसी एक को जो निकलता है उसी का हाफ कर लिया जाता है, तो वो सेंटर हो गया। और ये मैनुअल मशीन है ना? हाँ, ये मैनुअल मशीन है। तो आप लोगों ने देखा कि कॉपी तैयार हो गया और इसमें कोई एज स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। जब इस कॉपी को बहुत ज़्यादा कॉपी के ये गड्डी में बांधा जाता है तो ऑटोमेटिक एज स्क्वायरिंग इसका हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, जैसे कि यहाँ भी आप देखिए, यहाँ दिखाइए, तो यहाँ देखिए कि फर्री मार मार करके जो ये भैया रखे हुए हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा ये प्रेस हो जाएगा, फिर ये पिन मरा करके गद्दी लगेगा, फिर वहाँ थोड़ा प्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो बंद कर दीजिए। सकते हैं कि यहाँ नोटबुक का पैकेजिंग चल रहा है। बाबू इसको पैक करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो जिस पे बस्ता में क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल आता है उसी बस्ता में, यहाँ पे कितने पीस का बंडल है बाबू? 8-8 पीस का, इसमें 8 बंडल है ना। एक बंडल में कितना नोटबुक है? 50। तो इस तरह से अगर कॉपी मोटा हो तो 50 का, अगर पतला कॉपी हो तो आप 100 पीस का भी बंडल बना सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस लघु उद्योग के मालिक, जो यहाँ से ऑल ओवर इंडिया नोटबुक का संपूर्ण रॉ मटेरियल यानी कि पेपर, कवर, पिन, प्लास्टिक, एवरीथिंग रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका आदर। सर आपसे पहला सवाल ये है कि कोई बंदा है बिल्कुल नया है, उन्हें रॉ में नोटबुक के बारे में 0% भी नॉलेज नहीं है, अगर वो नोटबुक का बिज़नेस करना चाहता है तो उन्हें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? फिजिकली पहले उसको अपनी जगह होनी चाहिए जी। बेसिकली अगर वो अपने पास जगह रखता है लगभग कम से कम नहीं भी तो 1000 स्क्वायर फीट रखना चाहिए, अगर नहीं है तो 750-800 स्क्वायर फीट इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसकी जगह पर उसकी मशीन भी सेटअप करनी है और साथ में जो है इसके रॉ मटेरियल्स रखने की जगह होनी चाहिए और जो स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है उसको बनाने की भी जगह होनी चाहिए। तो अगर आप 300-300 स्क्वायर फीट भी अगर छोड़ते हैं तो कम से कम 900 और 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, तब आप फ्रीली और स्मूथली अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं जी। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन ये है कि मशीनरी में जहाँ भी हम देखते हैं जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है जिनको मशीन बेचना है, मैं तो यही कहूँगा कि वो मशीन का मार्केटिंग कर रहे हैं, वो दिखाते हैं कि आपको एक स्टिचिंग मशीन चाहिए, एक कटिंग मशीन चाहिए और एक एज स्क्वायरिंग मशीन। लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं तो वहाँ एज स्क्वायरिंग मशीन मिसिंग रहता है, नहीं रहता है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि एज स्क्वायरिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत है या नहीं है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर आप यानी कि बड़े ढंग से काम कर रहे हैं जी, आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस मार्केट में, तब तो आप एज स्क्वायरिंग मशीन भी लें। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है और आप छोटे इन्वेस्टमेंट छोटा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका ज़रूरी ये बात ध्यान रखना है कि हम 5-6 लाख में भी ये काम कर सकते हैं। वहाँ 5-6 लाख में आप काम करेंगे तभी जब आपका मैनेजमेंट छोटा होगा और आपका इंतज़ाम कम से कम आप कीजिए, जैसे जो बेसिक नीड है उसको पूरा कीजिए। खाने के लिए जैसे आपको खाने के लिए जो है आटा चावल दाल तो है ही, और साथ में आपको चम्मच दे दे तो चम्मच का ज़रूरत नहीं, आप अपने हाथ से भी खा सकते हैं और बिना चम्मच का भी खा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि चम्मच की ज़रूरत है मगर आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊँचा हो। उसी तरह से मशीन जब आप शुरू करते हैं तो आपके लिए एक कटिंग मशीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर कागज़ को काटने के लिए, और स्टिचिंग मशीन जो हर कॉपी में पिन करने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप समझ लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टैंडर्ड है उसको आप पूरा कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड अपना जो ये एक आपका स्टैंडर्ड है जिससे इनकी कॉपी एक तैयार होती है उसको पूरा कर सकते हैं। अब
तैयारी आपकी और बहुत अच्छी है तो और भी यानी कि चीज़ डालते जाइए, मगर अगर आपके पास दो बेसिक चीज़ है तो आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और कहीं भी अपने माल को भेजेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कारीगर। अगर आपका कारीगर अच्छा है या आप खुद अच्छे कुशल काम करना जानते हैं तो एज स्क्वायरिंग मशीन या कोई यानी कि पैकिंग मशीन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अगर आपका बजट कम है तो आप एक कटिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन, इस दोनों मशीन से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। सर इस दोनों मशीन का प्राइस कितना होगा? देखिए बाज़ार में आप बाज़ार में आप जाएंगे तो आपको कोई भी नई मशीन लेने के लिए जाएंगे तो आपको 2.5 लाख, 3 लाख या 2.25 लाख से कम नहीं देगा। मगर अगर आप कोई भी चीज़ को देखिएगा, आप अपने घर में भी अगर आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी लग के चलाते हैं, तो उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हम अपने काम को जो है सो कम पैसे में कम पूंजी में चलाएं और अपनी ज़िंदगी का जो है दिनचर्या काटते रहें और धीरे धीरे जैसे पैसा होता जाएगा अपने काम को बढ़ाएंगे, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी लोहा कोई भी मशीन का ख़राब नहीं होता है। ज़रूरत है कि उसमें लुब्रिकेशन करते रहिए, तेल डालते रहिए, ऑयलिंग करते रहिए, आपकी मशीन हमेशा ठीक रहेगी। और मतलब ये कि ये जो मशीन है इसकी लाइफ काफ़ी लंबा है। हाँ कोई भी देखिए लोहा है, आप समझिए कि लोहा है, आप लोहे को तो तोड़ नहीं सकते हैं। अगर मान लिया कहीं से टूट भी जाए तो वेल्डिंग कर सकते हैं, मगर अगर आप चाहते हैं कि नहीं पैसा आपके पास कम पूंजी वालों के लिए बता रहे हैं, अगर बहुत पूंजी है तब तक ठीक है आप यानी कि 5 लाख 6 लाख का मशीन खरीद लीजिए, नहीं तो बाज़ार में आपको 2.25 लाख और 1.5 लाख के अंदर अंदर मैं खुद आपको दिला दूंगा और आप खुद को लगेगा कि हम ये काम करने के लिए सक्षम हो गए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सर 1.5 लाख के अंदर में आपको एक सेकेंड हैंड अच्छा क्वालिटी का मशीन प्रोवाइड करवा देंगे। तो सर का नंबर और एड्रेस तो आप लोग देख ही रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ ही रहा होगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं हम रॉ मटेरियल की तरफ। तो सर जो सबसे पहला मदर रॉ मटेरियल है नोटबुक बनाने के लिए वो क्या है? देखिए पेपर जिस तरह से इंसान 3 तरह का है, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का और निम्न वर्ग का, उसी तरह से उसी अनुसार समाज में प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। उसी तरह से फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, पहले पेपर में आप आइए, ये आपका जो पेपर है, ये जो पेपर है आपका फर्स्ट क्वालिटी है। देन आफ्टर ये आपका जो पेपर है ये आपका सेकंड क्वालिटी है, थोड़ा पीछे लेंगे, और ये पेपर जो आपका थर्ड क्वालिटी है। मगर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वालिटी के साथ साथ आपकी कॉपी में एक बहुत बेसिकली चीज़ है जो आपकी कॉपी को बहुत खूबसूरत बनाती है, जैसे ये इसको कहते हैं इंडेक्स, देख रहे होंगे आप, ये इंडेक्स है। इंडेक्स को भी लगाना एक ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम है। जिस तरह से यानी कि जिस तरह से आप यानी कि कॉपी का पेपर लेते हैं, पेपर सिर्फ लेने से आपकी ज़रूरत को पूरी नहीं होगी जब तक कि उस पर एक कवर नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये दिखाया, ये कवर है, ये भी एक जगह लगाना है, और कवर के पीछे भी एक इंडेक्स लगा हो तो और भी खूबसूरत बढ़ जाती है, कॉपी की खूबसूरती बढ़ जाती है, ठीक है। मगर अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि पेपर के साइज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है, कि हर तरह की कॉपियों की साइज़ अलग अलग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक कवर है, ये यहाँ से यहाँ तक कवर है। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई टर्म्स बोलता हूँ कि भैया हमको कवर चाहिए, तो कवर मतलब ये नहीं समझिए कि सारे कवर एक साइज़ के हैं या सारी कॉपियाँ एक साइज़ की हैं। मार्केट में जिस तरह से दवाइयाँ बहुत तरह की हैं, सामान बहुत तरह के एक प्रोडक्ट, उसी तरह से कॉपी के भी, नोटबुक के भी बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब कॉपी के अंदर भी बहुत वैरायटी है अगर साइज को लेकर के और पेपर क्वालिटी को लेकर के बात की जाए। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाजार में साइज दिखाइए सर, साइज का बड़ा ये होता है। ये फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ कि बाजार में आपको जो है एक रफ कॉपी बनाने की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, गांव देहात में हैं या अपने मिडिल क्लास के शहर में, तो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा रफ कॉपी भी जो है बनती है। तो उसमें जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि उसका लंबाई चौड़ाई कितना होता है, क्योंकि आप अगर मेरे पास आएंगे रॉ मटेरियल लेने के लिए, आपको यह नोटबुक दीजिए हम समझेंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि कौन साइज़ का है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, अगर कोई हमारा नया बंदा अपने एरिया में देख लिया कि मेरे एरिया में ये वाला नोटबुक बहुत चलता है, अपने घर से एक सैंपल लेकर के आपके पास आता है और फिर कहता है कि सर हम तो नए हैं, हमको पता नहीं है, आप काइंडली इसमें जो पेपर लगा उसका साइज क्वालिटी बता दीजिए और उसी हिसाब का हमको रॉ मटेरियल दीजिए, तो आप उनका हेल्प करेंगे? क्यों नहीं, अगर समझदार हैं, आप बाजार में जाएं, बाजार में आपको 1-2 घंटा लगेगा और 1-2 घंटे में आप जाके जो सर्वे करें कि हमारे बाजार में रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको पता चला कि एक ये इस तरह की कॉपी भी आपके यहाँ चलती है, आपके यहाँ पता चला कि थोड़ा सी बड़ी कॉलेज में जो इस तरह की कॉपी चलती है, A4 टाइप की इस तरह की चलती है, या फिर कोई और इससे भी छोटी कॉपी चलती है, देखिए साइज अलग अलग है बच्चों के लिए, तो आप वहाँ बाजार में जाएं और बाजार में जाके थोड़ा सा सर्वे करें कि बाजार का रिक्वायरमेंट क्या है। तो बाजार के रिक्वायरमेंट जो आपको पता चल जाएगा, आप उस अनुसार जो है सो आप 10-20 रुपया अपना 50 रुपया खर्च करके सारी कॉपियों को इकट्ठा करके आप मेरे पास लेके आइए, हम आपको उसी अनुसार का साइज का कागज़ और उसी अनुसार साइज का कवर हम आपको जो है
यहाँ से पेपर दे देंगे और आप अपने अपने जहाँ पर अपने बनाया है अपना बेस, जहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं वहाँ से अपने काम को शुरुआत कर दीजिए। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, बेसिकली लोग समझते हैं कि भाई हम पेपर और कागज़ या कवर या पिन ये ले जाएंगे तो बाज़ार में जो है सब बनाएंगे कैसे, अपने घर पर बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए एक और भी सुविधा हम आपको दे देंगे, स्टाफ। ये स्टाफ अगर आपके पास एक बेहतर अच्छा हो, एक्सपर्ट हो और बेहतर ढंग से कटिंग करता हो और अच्छी तरह से पैकिंग करता हो, तो आपके बाज़ार में जो बड़े बड़े ब्रांड की कॉपियां हैं वो भी आपके सामने फेल हो जाएगी। हाँ, तो दोस्तों इस सर ने ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई नोटबुक का कारीगर हम कहाँ से ढूंढें, तो सर आपको नोटबुक का कारीगर तक मुहैया करवा देंगे, यानी कि उपलब्ध करवा देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप एक चीज़ और भी जान लीजिए कि नोटबुक बनाते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये देखिए, ये आपका ये आपको मैंने एक पेपर दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर को मोड़ेंगे, पेपर को मोड़ने के बाद आपको ऊपर से एक इंडेक्स लगाना पड़ेगा। ये देखिए इंडेक्स, इस इंडेक्स को ऐसे मोड़ेंगे, ये आपकी कॉपी अभी भी तैयार नहीं हुई। उसके बाद आप यानी कि इसके साथ एक कवर लगाएंगे, इस तरह से आपकी कवर रहेंगे। ये देखिए कवर, इसको मोड़ेंगे इस प्रकार से और फिर इसकी कॉपी में इस तरह से इसको लगाएंगे, ये आपकी कॉपी इस तरह से बन जाएगी। मगर उसमें इन सभी चीज़ को लगाने के लिए को एक बेसिक चीज़ है जो ज़रूरत पड़ती है, वो है स्टिचिंग वायर। ध्यान रखिएगा, स्टिचिंग वायर भी आपकी मशीन में दो तरह की होती है, एक आती है जिसको 22 नंबर कहते हैं, दूसरी आती है जो कि 24 नंबर। तो बाई दबे अगर 24 की जगह पर 22 नंबर मशीन में लगाते हैं तो फिट नहीं बैठेगा, और 24 की जगह पर 22 लगाते हैं तो फिट नहीं बैठेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपकी मशीन में पहले ले जाते समय एक या दो ही स्टिचिंग वायर लेके जाइए, ताकि आप देख लीजिए कि मेरा मशीन में कौन सा सेट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछा। तो चलिए सर, आप थोड़ा रेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आज करेंट रेट के बारे में बात करेंगे। तो सर, रॉ मटेरियल में सबसे जो मदर रॉ मटेरियल है वो है पेपर। हाँ। तो पेपर जो है वो मिनिमम रेट का कौन सा पेपर है और उसका नाम क्या है? बाजार में जिस तरह से पेट्रोल के रेट अप और डाउन होते रहते हैं समय समय पर, इसी तरह से पेपर भी है। पेपर का दाम भी कांस्टेंट नहीं है कि हम आज आपको ये बता दें और कल क्या होगा वो बता दें। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आज का हमेशा कॉल करके अपग्रेड कर लिया कीजिएगा कि पेपर का रेट क्या है। जैसे आज के डेट में जो है तीन तरह की बेसिकली आप याद रखिए पेपर की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट क्वालिटी, सेकेंड क्वालिटी या थर्ड क्वालिटी। आप जब डीप नॉलेज हो जाएगी तो आपको फिर बाद में पता चलेगा कि फर्स्ट क्वालिटी में कौन कौन से ब्रांड आते हैं, सेकेंड क्वालिटी में कौन कौन से ब्रांड आते हैं और थर्ड क्वालिटी में कौन कौन से ब्रांड आते हैं। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि फर्स्ट क्वालिटी का आज के दाम में अच्छा कागज़ अगर लेना चाहते हैं जिसकी कोटिंग अच्छी हो, ब्राइटनेस अच्छा हो, कंट्रास्ट अच्छा हो, तो आप यानी कि उसको कम से कम 113 रुपये पर केजी पड़ रहा है। दूसरी चीज़ सेकेंड क्वालिटी, सेकेंड क्वालिटी में भी वो की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा पड़ती है क्योंकि हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग सब रहते हैं और इसका खपत हम कहते हैं कि आप यानी कि फर्स्ट क्वालिटी के कंपेरिजन में 3 गुना बनाइए, और उसकी ज़रूरत जो है सब लोगों को पड़ती है। और इसका कीमत जो है मात्र 82 रुपया आज के दिनों में है, 82 और 80 के बीच में है। नंबर थर्ड, जो कि इनके गांव देहात से जुड़े हुए लोग, वो लोग जो इनके बहुत कमज़ोर लोग हैं और जिनको ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम पैसे में चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकें, उनके लिए भी आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए अगर बनाना है तो कम से कम कीमत वाले कागज़ जैसे कि 60 रुपया 65 रुपया 70 रुपये के कागज़ जो है। तो सर मिनिमम 60 रुपये से या पेपर का रेट स्टार्ट आज के दिनों में, आज के दिनों में 19 नवंबर 2022। और जैसे जैसे आपका घटता रहेगा तो भी हम बताते रहेंगे, बढ़ता रहेगा तो भी बढ़ते रहेंगे। चलिए सर, एग्जांपल के तौर पे हम इस कॉपी को लेते हैं और इसी का हम पूरा खंडन करते हैं कि जैसे कि इसमें जो ये पेपर इस्तेमाल हुआ है, इस पेपर का नाम क्या है? ये है मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास का मीडियम पेपर है ये। इसकी रेट क्या है, कितने रुपए किलो वाला है? इसका 82 रुपीज है, जो कि इसका नाम बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं डीटी, कुछ लोग बोलते हैं प्लेटिनम, कुछ लोग बोलते हैं इसको सुपर गोल्ड, स्नो वाइट, ये कई किस्म के नाम है। मगर आपको जानकारी हासिल करने के लिए मैं यही बताऊंगा कि मीडियम क्लास का जो पेपर है वो बताइए। अच्छा, तो ये मतलब 82 रुपीज़ है। yes. और इसमें जो कवर इस्तेमाल हुआ है, इस कवर का एक पीस का कितना रेट? यस यस, बहुत खूबसूरत बात किया है। जब आप कॉपी बनाने चलते हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हम एक कॉपी बनाने में मेरा कितना लागत लगता जी, है। जी वही हम निकाल रहे तो थे। जो एक कॉपी में लागत लगता है उसके लिए आप पहले पेपर की गिनती कर लें
और पेपर की गिनती, अगर एक कागज का पैसा पता चला कि आपको 20 पैसा है और इसमें आपने 20 कागज लगाया है तो 20 से मल्टीप्लाई कर लें। दूसरी बात, इसमें जो आपके कवर लगे हैं, एक कवर हर तरह की कवर है, अच्छे कवर की कीमत यानी कि फर्स्ट क्वालिटी की जो कवर है उसकी कीमत भी महंगी है, जैसे 2 रुपया 20 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा, और सेकेंड क्वालिटी की जो कवर है जिसको हम अभी यहाँ स्टिचेस किया है वो 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 60 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 3 तरह का हम मीडियम क्वालिटी का भी बनाते हैं। उसी तरह से आपको थर्ड क्वालिटी का भी है, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा। तो बनाने में जो लागत है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 20 रुपीज़ की कॉपी बनाया है आपको दिखाने के लिए, और बहुत सारी कॉपी है, एक नहीं दो नहीं, आप जितनी भी कॉपी यहाँ देखा इसका है, रिटेल 20 रुपीज़ है सर, इसका रिटेल 20 रुपीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है 11, हाँ पूरा, यानी कि इसके अंदर जो स्टिचिंग वायर किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग करने में जो खर्चा पड़ा है, और उसके बाद जो पूरी तैयार होने के बाद जो आपका खर्च निकलता है तो उसमें पड़ता है 11 रुपया 20 पैसा, 11 रुपया 20 पैसा, यस, रिटेल 20 रुपया, हाँ। होल सेलिंग कितना में मतलब कर सकता है बंदा? होल सेल देखिए आपके बाजार के रिक्वायरमेंट के अनुसार है, अगर आपको पैसा कैश देता है और माल देने तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 1 रुपया बढ़ा के दे दीजिए, 1.5 रुपया बढ़ा के दे दीजिए, क्योंकि आप माल रख के क्या करेंगे, अगर आपका सेल बढ़ेगा, देखिए कभी भी तैयारी ऐसा कीजिए कि मिनिमम इनकम हो और मैक्सिमम सेलिंग हो, जी बिल्कुल। अगर आपका मैक्सिमम सेलिंग हुआ तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप आज 5,000 कॉपी काट सकते हैं, आपके पास मशीन है तो आज कल आप 5 लाख भी कॉपी काट सकते हैं, जी बिल्कुल। तो आप ये नहीं देखिए कि हमको 1 ही रुपया फायदा हो रहा है, ये 1 रुपया बढ़कर आपका 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है। तो सर अगर हम बात करें कि ऑन एन एवरेज नोटबुक का अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, लघु उद्योग चला रहा है, तो ऑन एन एवरेज उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता होगा एवरेज? आपके इन्वेस्टमेंट पे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कैसा किया है, आपके पास कस्टमर कैसा है, अगर आपका सेल बढ़ता जाता है तो आप यकीन मानिए कि आप शुरुआत में भी आप जो है स्टार्ट कीजिएगा तो 14,000-15,000 रुपये कमाना शुरू कर दीजिएगा बेसिक, जो लोग कर रहे हैं, जो लोगों से मेरा फीडबैक मिला है, और आगे चलकर आप 87, 88, 89 तक अपने, अगर आप सिर्फ एक शहर को कवर करते हैं तो 88, 89 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं। अगर आप इसी तरह से और भी शहर में अगर फैलते जाते हैं तो नो डाउट कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर 20 लाख-25 लाख का है तो आप यकीन मानिए कि आप 3 लाख-4 लाख रुपया पर मंथ आप कमा सकते हैं। सर एक जो कि ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर लोग पूछते नहीं हैं, मैं आप पूछता हूँ क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। सर क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन का जिम्मेदारी बिल्कुल ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं ना वो भाई है मेरे, उनको हम भाई मानते हैं और जो बड़े हैं उनको हम अपना जो भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सवाल ये है कि देखिए कि आप बहुत पहले से इस फील्ड में हैं, तकरीबन हज़ारों लोग आपसे रॉ मटेरियल ले गए होंगे और सबकी कहानी आपको पता होगी किसने कितना तरक्की किया और इसमें से कितने लोगों ने क्या कि अपना धंधा बंद कर दिया। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर लगाया जाए कि 100 आदमी नोटबुक का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें से लगभग कितने परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस बंद हो जाता है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि कितने लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है। और दूसरा आप ये लेके सर एक और चीज कि जो लोग का बिजनेस बंद होता है उनका मेन रीजन आपको क्या समझ आया? बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन, ये आपको अपनी पहले कोशिश करना है कि मेरा आपने जो काम कर रहे हैं उसमें आपका कितना अच्छा स्किल है, आपकी इतनी कितनी काबिलियत है, कितनी अच्छी नॉलेज है। आप अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी है किसी चीज़ के काम करने का मगर आपके पास नॉलेज है तो हम समझते हैं कि उससे बढ़कर कोई नहीं है। आप बाज़ार में देखें, दवाई की दुकान 100 दवा की दुकान है मगर उसमें से 2 दवा की दुकान खूब अच्छी चलती है, बाकी बैठ के जो है मक्खी मारता रहता है। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग का भी है, लगभग 80% मैन्युफैक्चरर जो है अपने कामों में फेलियर इसलिए होते हैं कि वो अपने काम 80% काम ऐसे होते हैं जो दिलचस्पी अपना नहीं रखते हैं। अगर आप अपने कामों में दिलचस्पी रखते हैं, ये सवाल सब लोगों के लिए, हमारे लिए भी है और आप व्यूवर्स यूट्यूबर्स सब लोगों के लिए जो बना रहे हैं, जो अपने कामों में दिलचस्पी रखेंगे, अपने काम को जो है सो रिस्पेक्ट देंगे, उनके लिए प्रति ईमानदार, हाँ, तो उनके लिए कोई भी बात, कोई भी रुकावट, कोई भी ऑब्स्टिकल सब खत्म है, अगर इरादा उनके पक्के हैं, क्योंकि कर्म से अगर ईमानदारी कीजिएगा तो कर्म आपसे ईमानदारी करेगा। हमने देखा है कि हमारे पास अगर 100 कस्टमर आए हैं या 200 कस्टमर आए हैं, आज भी हम देखते हैं तो मेरे पास लगभग 821 कस्टमर अभी तक जुड़े हैं, हाँ, जो नए कस्टमर की बात, पुराने जो हैं उसका कंटिन्यू कर रहे हैं, वो जो नए कस्टमर हैं जिनका रिकॉर्ड हम अलग रखते हैं, 821 कस्टमर में लगभग हमको आज दिखाई दे रहा है तो हम आपको बता दें कि 629 कस्टमर ने लगभग 6 या 8 या 1 साल में काम अपना बंद कर दिया है। मेन रीज़न ये था कि वो
लगन से नहीं। और जो जो जिन्होंने शुरू किया है, जो अभी कर रहे हैं, वो देख लीजिए, काम का यही है कि अगर कोई काम कर रहा है और 2-3 साल टिक गया, मैंने खुद अपना ऑब्जर्वेशन किया है, तो वो आदमी जो है आगे चलकर पकड़ लेता है। तो दोस्तों मतलब ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो शुरू में वो बिजनेस आपको नया लगेगा, नया तो रहेगा ही, और उसमें तरह तरह की मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें भी नई होगी, लेकिन उनसे लड़ना है। 2-3 साल बाद मुश्किलें भी पुरानी हो जाएगी, उनसे लड़ने की आदत भी हो जाएगी। तो हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सर। तो बस इतना ही, मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ अंत में, यहाँ पे दिखाइए तो ज़रा इसको। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह का इधर 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 इधर, तो नहीं पीछे आप जाइए थोड़ा, ये कवर है, ठीक है। तो ये कवर में इस तरह का ये रोल लगा हुआ है, इस रोल में प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक से ऊपर लेमिनेशन होता है। तो दोस्तों मैं सर का पूरा डिटेल, पूरा कॉन्टेक्ट आप लोगों को दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा तो दिल मन से कीजिएगा। और जे अब मेरे से जैसे कि मैं 130 किलोमीटर दूर, काफ़ी दूर से सुबह मोटरसाइकिल चला करके बिल्कुल ठंडी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ, आया हूँ, लगभग 1500 रुपये मेरे खर्च हुए। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।